नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट अ प्रोग्राम टू इंटरफेस फेस बटन बजर एंड LED. व्हेनेवर द बटन whenever the button is pressed, buzzer gives beep for 100 milliseconds and LED status is toggle. ठीक है, तो प्रोग्राम जो है वो क्या है, इंटरफेस बिटवीन बटन बजर एंड LED. यानी आपको तीनों चीज़ों को यूज करना है, बटन को भी, बजर को भी और LED को भी. व्हेनेवर द बटन इज प्रेस्ड, ये पहले तो नहीं करवा दिया, आई थिंक ये क्वेश्चन तो हो गया आप लोगों का लास्ट क्लास में. मैसेज करना एक बार, ये क्वेश्चन हो गया ना लास्ट क्लास में आप लोगों का. हाँ हो गया ये तो. ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ आप लोग. ओके ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ. Write a program to interface LEDs at pin 10, 11, 12 and 13 and button pin 7 and 8. When first time button at pin 7, button at pin 7 is pressed, first LED at pin 10 is switched on. When second button is pressed, it
The next LED at 11. At 11 is switched on. Similarly, when the button at pin 8 is pressed, LEDs are switched off. Sequentially. Okay, ये आपका question है. Write a program to interface between LED, जो किस pin पर है. LED हमारी 4 LEDs हैं, 10 पर, 11 पर, 12 पर और 13 पर. ये 4 pin हमने attach कर दी है, जो आपका Arduino UNO होता है. ठीक है, Arduino UNO, उसमें टोटल 13 पिन्स ही होती हैं, इसलिए 13 से ऊपर की पिन मैं यूज़ भी नहीं करती हूँ. तो एलईडी पिन कौन कौन सी आपकी, 10, 11, 12 एंड 13. एंड बटन पिन 7 और 8, दो पिन हमारे बटन पर है, 7 पर और 8 पर. व्हेन फर्स्ट टाइम बटन एट पिन 7, जो 7 वाला है, जब हम उसे प्रेस करते हैं तो फर्स्ट एलईडी पिन जो है वो 10 जो है वो स्विच ऑन हो जाती है. जब 7 पिन को ऑन किया तो एलईडी आपकी ऑन हो गई. व्हेन सेकंड बटन इज प्रेस्ड द नेक्स्ट एलईडी एट 11 इज स्विच ऑन. फिर दोबारा जब किसको करा हमने बटन को प्रेस, 7 वाली पिन को, तो फिर 11 हो गई. सिमिलरली उसी तरह से व्हेन द बटन एट पिन 8, मतलब जो पिन 8 को, देखो दो पिन यूज करें 7 एंड 8, 7 को ऑन करने के लिए, 8 को ऑफ करने के लिए. तो पिन 8 पे जब हमने क्लिक करा तो एलईडी आर स्विच ऑफ सिक्वेंशनली, पहले 10, फिर 11, फिर 12, देन 13. इस तरह से वो ऑफ हो गई. पहले हमने पिन 7 पे क्लिक करा तो वो चारों हमारी ऑन हुई, देन पिन 8 पे क्लिक करा तो 1 by 1 वो ऑफ हो गई. ठीक है, तो पिन 7 जो है वो इंक्रीमेंट है, पिन 8 जो है वो डिक्रीमेंट है, मीन्स वो हाई है वो लो है. तो हमें सबसे पहले हम वो वेरिएबल्स लेंगे जो हमें यूज़ करने हैं, मतलब कि 4 पिन और 2 बटन, ये हमें यूज़ करने हैं. इंट एलईडी पिन, एक आपकी 10 है, एक हम एलईडी यूज कर रहे हैं पिन 1, 11, एलईडी पिन 2, 12, कॉमा करके भी लिख सकते हो आप, पिन 3 इज 13. ओके, सेमी कॉलन लगाना आपको याद रखना है. एंड देन बटन, तो बटन पिन पहले आपका 7 है, देन बटन पिन 1 इज 8 एंड देन सेमी कॉलन. तो ये हमारे वेरिएबल्स हैं जो हम यूज करेंगे. अब void सेटअप करेंगे, void setup. ठीक है, सेटअप फंक्शन को यूज करके हम ये बताएंगे कौन सा हमारा इनपुट है और कौन सा हमारा आउटपुट है. जब हम बटन को प्रेस कर रहे हैं तो वो एज अ इनपुट ट्रीट हो रहा है, हम उसको कमांड दे रहे हैं, और जो एलईडी ऑन या ऑफ हो रही है वो हमारा आउटपुट है, क्योंकि उसका रिजल्ट आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है आपका. ठीक है, तो पिन मोड एलईडी पिन, पिन क्या है आउटपुट,
LED pin 1 is also output. Pin mode LED pin 2 is output. पिन मोड, अब ये सब एक साथ कंबाइन नहीं करने, जैसे यहाँ पे कंबाइन करके लिखते हैं, इस तरह से इनको नहीं लिखना, इनको नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में ही आपको लिखना है, और जितनी बार है उतनी बार आपको लिखना ही होगा. एलईडी पिन हो गई पिन 1, 2 and 3 एज आउटपुट. ठीक है, इसके बाद पिन मोड बटन पिन क्या है आपका इनपुट, सॉरी इनपुट, एंड देन पिन मोड बटन वन पिन, सॉरी बटन पिन 1 इज इनपुट. यहाँ पे हमने सेट कर दिया कि कौन सा मोड हमारा इनपुट मोड है और कौन सा मोड हमारा आउटपुट मोड है. अब हमें करना है प्रोग्राम वॉइड लूप के अंदर. सॉरी, अब इसमें है क्या कि जब हम बटन को प्रेस करेंगे, कौन सा बटन, बटन पिन को, 7 वाली पिन को, तो लाइट्स हमारी ऑन होगी, और 8 को क्लिक करेंगे तो ऑफ होगी. ओके, तो वॉइड लूप फंक्शन आप करेंगे. अब इसमें कंडीशन है, बटन हम प्रेस कर रहे हैं, तो इफ बटन की स्टेटस को रीड करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज कर रहे थे, रीड करने के लिए डिजिटल रीड, और राइट करने के लिए डिजिटल राइट, ये आपको याद रखना है. इफ डिजिटल रीड, जब डिजिटल रीड फंक्शन ने रीड करा किसको, बटन पिन को, दिस, ठीक है, बटन पिन को रीड करा, और वो इक्वल है किसके, हाई, कि हमने बटन को प्रेस करा, ठीक है, इट मीन्स कंफर्म बटन इज प्रेस. देन क्या होगा, देन आपकी एलईडी जो है वो हाई हो जाएगी. ठीक है, तो डिजिटल राइट क्या है, डिजिटल राइट में एलईडी पिन इज हाई, एक बार उसने प्रेस किया वो हाई हो गया, बट इफ कंडीशन. अब वो कहता है जब वो दोबारा क्लिक करेगा बटन को, पिन 7 वाले बटन को, तो हमारी जो पिन 11 है वो ऑन हो जाएगी. तो दोबारा से कंडीशन हम चेक करेंगे, इफ डिजिटल रीड एलईडी पिन, सॉरी बटन पिन, ये आएगा बटन पिन हाई इज इक्वल टू हाई, देन अगर वो हाई है तो फिर से क्या होगा, डिजिटल राइट एलईडी पिन 1, पहले 10 वाली है अब ये 11 वाली है, हाई, तो ये हमारी हाई हो जाएगी, देन क्लोज. अब वो नेक्स्ट के लिए चेक करेगा, इसी तरह से वो 4 बार इसको चेक करेगा, क्योंकि 4 पिन है, तो आपको 4 टाइम्स लिखना है. मैं लिख देती हूँ पूरा प्रोग्राम, इसलिए लिखती हूँ कि आप लोग कुछ गलत ना लिखते हो. इफ डिजिटल रीड बटन पिन इज इक्वल टू हाई, देन जो 12 वाली पिन है वो आपकी राइट हो जाएगी. एलईडी पिन 2 इज हाई, अभी हम सबको हाई कर रहे हैं, क्लोज नहीं कर रहे हैं. इफ
डिजिटल रीड बटन पिन इज इक्वल टू हाई डिजिटल राइट एलईडी पिन थर्ड जो है फाइनल वाली आपकी हाई हो गई 13 वाली। ठीक है, अभी तक क्या हुआ है, आपने इसको हाई हाई किया है और हम किस डिजिटल को पिन को रीड कर रहे हैं, बटन को 7 वाले को। अब वो कहता है कि जब वो बटन पिन 1 को यानी कि 8th वाली पिन को अगर प्रेस करता है, अगर 8th वाली पिन वाले बटन को प्रेस करता है तो 1 by 1 जो है हमारी ये सारी की सारी लाइट्स जो है वो ऑफ हो जाए। तो अब जो हमने हाई में लिखा है वही सेम हमें लो में लिखना है, लेकिन बटन पिन हम कौन सी यूज़ करेंगे, 8th वाली। ठीक है, बटन पिन यूज़ कर रहे थे, अब हम यूज़ करेंगे बटन पिन 1। सेम यहाँ पे आएगा इफ डिजिटल रीड बटन पिन 1 इज इक्वल टू लो, लो मीन्स अगर वो बंद है तो डिजिटल राइट एलईडी पिन इज लो, तो वो हमारा लो हो जाएगी। ठीक है, बंद हो जाएगी इफ, अगर डिजिटल रीड कर रहे हैं हम बटन पिन 1 इज इक्वल टू लो देन डिजिटल राइट एलईडी पिन 1 इज लो इफ डिजिटल रीड। बस आपको समझना क्वेश्चन को है, अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो आप ये सारा इजीली कर सकते हो। ठीक है, वही प्रोसेस है, उसे सेम ही प्रोसेस को आपको फॉलो करना था, लेकिन बस क्वेश्चन को समझना इम्पॉर्टेंट है कि कैसे उसको करना है। ठीक है, वो क्या कहना चाहता है, वही प्रोग्रामिंग वाली बात आ जाती है कि अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो प्रोग्राम आप कर लोगे, बट उससे पहले आपको सारे फंक्शंस पता होने चाहिए। डिजिटल रीड बटन पिन 1 इज इक्वल टू लो देन डिजिटल राइट एलईडी पिन 1 इज लो, फाइन। नेक्स्ट इज इफ डिजिटल रीड बटन पिन 1 इज लो देन डिजिटल राइट एलईडी पिन 1 इज पिन, एक मिनट, एलईडी पिन 1 2 एंड लास्ट इज 3 लो। बस ये हाई है, प्रोग्राम कंप्लीट है। सेम वही स्टेटमेंट्स आपकी रिपीट हो रही है, बस आपको ये याद रखना है कि कब आपकी 7 पिन ऑन हो रही है, कब आपकी 8 पिन ऑफ हो रही है, उसके ऑन होने पे कौन सी एलईडी ऑन हो रही है और कौन सी एलईडी आपकी ऑफ हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन सिंपल है। अब एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों को दे रही हूँ। चलिए मैं ही करवा देती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट दूंगी आपको। एक क्वेश्चन और मैं आपको करवा देती हूँ, सेंसर वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चंस बहुत ध्यान से नोट करिएगा आप लोग, क्योंकि इनके सॉल्यूशन आपको मिलेंगे नहीं कहीं पे, और जो मिलेंगे वो आपको इजीली समझ नहीं आएंगे। राइट अ प्रोग्राम टू इंटरफेस
रेसिस्टर यानी कि एल डी आर एंड एंड डिस्प्ले द वैल्यूज रीड ऑन द सीरियल on the serial monitor after delay of 2 seconds each means ये जो आपका लिखा है light dependent resistor, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हमारी street light होती है, ठीक है, स्ट्रीट लाइट में क्या होता है कि अगर स्ट्रीट लाइट के ऊपर जैसे सेंसर वाली जो होती है कि रोशनी ज़्यादा आ गई तो सेंसर ने उसे सेंस कर लिया तो उसकी जो लाइट है वो कम होती जाएगी, जैसे जैसे लाइट्स उसकी सन रेजेस ज़्यादा होती जाएंगी तो स्ट्रीट लाइट की लाइट जो है वो कम होती जाएगी और जैसे जैसे अंधेरा होता जाएगा वैसे वैसे वो ऑन होती जाएगी। तो वही ये जो रेसिस्टर वर्ड है वो उसी चीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो हमें जो है एल डी आर में यूज़ करना और डिस्प्ले द वैल्यू रीड ऑन द सीरियल मॉनिटर आफ्टर डिले ऑफ 2 सेकेंड ईच कि वो उस चीज़ को रीड करे कि कितनी लाइट उसके ऊपर पड़ रही है और उसके अकॉर्डिंग वो फिर डिस्प्ले हो। ठीक है, इसमें एक मॉनिटर होता है, मॉनिटर क्या होता है इतना सा, मतलब एक छोटी सी इतना ऐसे इस तरह से चिप टाइप से होती है वो उसकी स्क्रीन होती है। मॉनिटर कोई इतना बड़ा मॉनिटर नहीं होता जो हमारा है। जब हम एलईडी की बात कर रहे हैं अगर इसमें आईओटी में, इट मीन्स इतनी छोटी सी एक जैसे प्लास्टिक या स्क्रीन टाइप, इतनी छोटी जैसे कैलकुलेटर में स्क्रीन सी लगी होती है तो इस टाइप की होती है वो स्क्रीन जहाँ पे सिर्फ छोटा सा मैसेज शो हो सकता है या छोटी बहुत थोड़ी बहुत कैलकुलेशन उसलिए यूज होती है। तो सबसे पहले तो आप सेंसर पिन को यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे सेंसर की हमें ज़रूरत है। सेंसर इंट वैल्यू लेंगे आप, इंट सेंसर वैल्यू इज इक्वल टू ए जीरो। ठीक है, नेक्स्ट हम लेंगे, सॉरी एक सेकेंड, इंट सेंसर वैल्यू इज जीरो, सेंसर की वैल्यू जीरो है कि अभी जो ब्राइटनेस है वो जीरो है। एंड सेंसर पिन, जो सेंसर की पिन है वो है आपकी ए जीरो। ठीक है, अब हम सेटअप करेंगे वॉइड सेटअप फंक्शन। सेटअप में क्या है, एक नई चीज स्टार्ट हुई है आपकी, इसमें हम कुछ रीड नहीं कर रहे, हम सेंसर को यूज कर रहे हैं। सीरियल बिगिन 9600। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है कि हमने जो है वो सीरीज सेट करी है, सेट्स सीरीज पोर्ट फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करने के लिए हमने एक पोर्ट सेट करा है, कौन सा, 9600 वाला पोर्ट है, पिन नहीं है ये, पोर्ट है। ठीक है, अब हम इसमें लूप स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे इनपुट आउटपुट नहीं है, ठीक है, सिर्फ सेंसर को यूज़ करके हम बना रहे हैं। तो void लूप सेंसर की वैल्यू क्या है आपकी, जीरो। तो सेंसर वैल्यू इज इक्वल टू एनालॉग रीड सेंसर पिन, अभी समझाती हूँ मैं सारी लाइन्स आपको, पहले प्रोग्राम लिख देती हूँ, सीरीज डॉट प्रिंट सेंसर
value and delay 2 milliseconds. That's it. ठीक है, ये इसका प्रोग्राम है. अब इसमें ये है इस क्वेश्चन में कि सेंसर जो है वो लाइट को रीड कर रहा है कि कितनी लाइट है, मतलब उस कितनी वैल्यू है उसकी. ठीक है, 0 to 255 मान लो, जैसे कि रेंज होती है हमारी. तो यहाँ सेंसर इस लाइट की, ये लाइट की ब्राइटनेस कितने है, यानी कितनी ऑन है ये, उसको फैच करके उसकी ब्राइटनेस को मॉनिटर के ऊपर जो है प्रिंट करवा रहा है. ठीक है, मॉनिटर आपको मैंने बताया है एक छोटे से इस टाइप से होता है. ठीक है, तो यहाँ तो सेंसर की वैल्यू हम पहले ज्यूम करके चल रहे हैं कि ज़ीरो है, बिल्कुल ही लो है, और पिन हमने उसकी A0 सेट कर दी. अब सेंसर के लिए हम यहाँ पे पोर्ट यूज़ कर रहे हैं. यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, पोर्ट. जो पोर्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो है हमारा 9600, यानी कि यहाँ से हमारी सीरीज जो है वो स्टार्ट होगी. लूप में यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेंसर की वैल्यू हमने मान ली ज़ीरो है, लेकिन अब हम यहाँ देख रहे हैं कि सेंसर की वैल्यू कितनी है, क्योंकि वही वैल्यू हमें क्या करनी है, प्रिंट करवानी है. तो हम एनालॉग रीड फंक्शन को यूज़ करेंगे, क्योंकि जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं आपके, एनालॉग. तो हम एनालॉग सिग्नल्स को जो है रीड करेंगे एनालॉग फंक्शन की हेल्प से. तो यहाँ इसने सेंसर की पिन को रीड करा, यानी कि उसने सेंस करा यहाँ पे एनालॉग फंक्शन की हेल्प से सेंसर ने कि कितनी ब्राइटनेस है. मान लो ब्राइटनेस की वैल्यू हुई 40 फॉर एग्जांपल, तो सेंसर वैल्यू कितनी हो गई, 40. जीरो हमने इसलिए माना है ताकि उसमें कोई गार्बेज वैल्यू ना हो जाए. सी में होता है कि अगर आप वैल्यू को एज्यूम नहीं यहाँ पे करोगे जीरो, तो मे बी वो कोई गार्बेज वैल्यू प्रेजेंट ना कर दे. तो हमने यहाँ पे वो 40 अब इसमें रीड कर लिया, इसने एनालॉग रीड फंक्शन ने उसको स्टोर कर दिया. सीरीज डॉट प्रिंट, तो प्रिंट फंक्शन की हेल्प से वो वैल्यू प्रिंट हो गई, क्या, 40. कौन से पोर्ट पे, सीरीज, यानी ये जो ये सीरीज हम ले रहे हैं ये मॉनिटर के लिए यूज कर रहे हैं. ठीक है, ये जो सीरियल सीरीज है मैं आपको बताऊंगी, सीरीज है. ठीक है, यहाँ पे ये सीरियल लिख दिया मैंने, ये सीरीज है आपका. तो ये क्या कर रहा है, इस मॉनिटर के ऊपर प्रिंट कर रहा है वो वैल्यू, जो भी उसने ब्राइटनेस जितनी भी ऑन है उसको, जो भी उसने फैच करा है यहाँ से या सेंस करा है उसको प्रिंट कर रहा है 40, और फिर 40 को थोड़ी देर तक, कितने, 2 सेकेंड्स तक रोक के रख रहा है. देन दोबारा उसको सेंस कर रहा है, फिर दोबारा प्रिंट कर रहा है, दोबारा सेंस कर रहा है, दोबारा प्रिंट कर रहा है. तो जैसे जैसे वो सेंस करता रहेगा उसकी जो रेंज है, जो वैल्यू है, उसको वो प्रिंट करता रहेगा. ठीक है, तो ये जो सेंसर आया है ये आपका थोड़ा डिफरेंट आया, न्यू आया है. इसको एक बार और अच्छे से पढ़ना, समझना, इससे रिलेटेड भी पढ़ना आप गूगल पे थोड़ा सा, और जो भी प्रॉब्लम हो वो मुझसे पूछना आप, क्योंकि सेंसर से ही रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चन आपके आएंगे, कि सेंसर के साथ ही हम बटन यूज़ करेंगे, सेंसर के साथ ही हम LED यूज़ करेंगे. ठीक है, तो आज की क्लास में